हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू राज रोमियो गेमिंग। सो 4.0 में फेज टू में जो है चाइल्ड आने वाला है, तो काफ़ी लोग मुझे इस लाइव स्ट्रीम पे कह रहे थे कि चाइल्ड बिल्ड वीडियो राज भाई लाइए, तो चाइल्ड बिल्ड वीडियो यहां पर ला लिया है। इस वीडियो में मैंने चाइल्ड का गेम प्ले, कॉन्स्टलेशन, टैलेंट, बेस्ट आर्टिफैक्ट्स एंड चाइल्ड के बेस्ट वेपन के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोग वेपन ऑप्शन की बात करते हैं चाइल्ड की। तो वेपन ऑप्शन में इसका पैसिव वेपन सबसे बढ़िया होता है, जैसे कि आपको पता है हर कैरेक्टर का पैसिव वेपन उसका सबसे परफेक्ट होता है। इसके अंदर आपको एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज इंक्रीज मिलता है, और बहुत सारे स्टैक्स के हिसाब से जो है आपका अटैक भी इंक्रीज होता है। तो यह ऑब्वियसली ये वेपन सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 5 स्टार में, तो थंडरिंग पल्स सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें भी आपको जो है अटैक इंक्रीज मिलेगा 20% का। नेक्स्ट अगर मैं 5 स्टार की बात करूं, तो आप एक्वा सिमिल आंकड़ा भी यूज कर सकते हो, भले इसका पैसिव उतना यूज नहीं होगा, बट आपको क्रिट डैमेज मेंटेन करने के लिए, हाई क्रिट डैमेज होने की वजह से आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हो, उसका क्रिट रेट और क्रिट डैमेज। एमएस बो भी काफी बढ़िया होता है, इसमें भी जो है आपका पैसिव थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि इसमें आप जो देख सकते हो इंक्रीज नॉर्मल एंड अटैक डैमेज, चार्ज अटैक डैमेज आपको 12% मिलता है। नेक्स्ट आता है स्काईवर्ड हब, आपको पता है इसमें आपको क्रिट रेट मिलता है, और ऑब्वियसली मैं यही बात बोल दूं कि कोई भी 5 स्टार कैरेक्टर आप लगा सकते हो, अगर उसमें CR, CD और अटैक हो तो आप बिल्कुल उसमें यूज़ कर सकते हो। लाइक नया लेने वाला वेपन भी आया है, इसमें भी क्रिट डैमेज आपको मिलता है, तो आप ये भी लगा सकते हो। वेरी डिसेंट हंट ये भी काम आता है, इसमें आपको क्रिट रेट मिलता है और इसमें भी जो है चार्ज अटैक डैमेज, स्पेशली देखा जाए तो चाइल्ड के लिए ही ये बनाया गया है। तो अगर आप इस गेम में इन्वेस्ट करते हो और आपके पास बैटल पास वाला है तो ये भी लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ 4 स्टार में रश्ट भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल अटैक डैमेज मिलता है, तो यस अगर आपके पास रश्ट है, R5 है, तो आप ये भी लगा सकते हो, इसमें आपको अटैक भी मिलता है, तो CR CD मेंटेन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। और बेस्ट F2P वेपन की अगर मैं बात करूँ, मतलब F2P वेपन जो कि आपको इजीली मिल जाता है, वो है हमायूमी। हमायूमी इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये आपको क्राफ्टेबल होता है, और हमायूमी का पैसिव भी अच्छा खासा यूज़ होता है, जिसमें आपको इंक्रीज नॉर्मल अटैक डैमेज 18% और चार्ज अटैक डैमेज 12% मिलता है, तो यह ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत काम में आ जाता है। एज एन F2P अगर आपके पास कोई भी वेपन नहीं है, तो क्राफ्टेबल वेपन एज एन अर्ली आप हमायूमी को लगाकर कर सकते हो। और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है जो कि क्राफ्टेबल है, वो है प्रोटोटाइप क्रेसेंट। काफ़ी लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप अच्छा है या फिर हमायूमी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक के तो हमायूमी अच्छा लगता है, बट आप प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट एक और 4 स्टार वेपन है जो कि है मॉन मून, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। इसमें आपको अटैक मिलता है, इसका पैसिव भी थोड़ा बहुत इंक्रीज मिलता है, बट या ये भी काफ़ी बढ़िया है। एंड 3 स्टार की बात करूँ तो आप रावेन बो लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं चाइल्ड के आर्टिफैक्ट सेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में न्यू एक आर्टिफैक्ट सेट आया है जिसका नाम है नेम ड्रीम, तो ये काफ़ी बेटर होता है अगर आपके पास है। अगर आपने अभी तक के चाइल्ड पुल नहीं किया, और मतलब अभी तक के आपके पास चाइल्ड नहीं है और अभी अभी हाल ही में आपको चाइल्ड मिला है इस बैनर में, ठीक है, इस बैनर में अगर आपको चाइल्ड मिला और आपने चाइल्ड के लिए पहले से फार्म नहीं करके रखा है, दूसरा कोई आर्टिफैक्ट्स आपके पास नहीं है और आप स्पेशली चाइल्ड के लिए फार्म करना चाहते हो, तो इस आर्टिफैक्ट्स को आप फार्म कर सकते हो। ये क्योंकि काफ़ी बढ़िया होता है, इसका सिनर्जी इफेक्ट काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज ये जो है आपको अटैक एंड हाइड्रो डैमेज प्रोवाइड करता है जैसे ही आप एनिमियों को हिट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक से, लाइक चार्ज अटैक और एलिमेंटल स्किल से आप जैसे इसे हिट करते हो, तो आपको बढ़िया अटैक और हाइड्रो डैमेज बोनस मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट सेट में अगर बात करूँ तो ये है नेम ड्रीम। और अगर इसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है हार्ट ऑफ डेप्थ, तो हार्ट ऑफ डेप्थ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेम अगर आपको नया सेट यूज़ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी सेट बने हुए हैं या फिर काफ़ी सारे अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं, 3-4 सेट है आपके पास, कुछ और फार्म करने से आपका सेट मिल जाएगा, तो आप हार्ट ऑफ डेप HOD 4 पीस भी लगा सकते हो। इसमें आपको 2 पीस मतलब हाइड्रो डैमेज बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको एलिमेंटल स्किल एंड नॉर्मल एंड चार्ज अटैक डैमेज भी आपको इंक्रीज मिलेगा, जो ये 4 पीस मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप 2 पीस HOD लगा सकते हो, या फिर 2 पीस HOD लगा सकते हो, या कोई भी हाइड्रो वाला 2 पीस HOD या फिर 2 पीस नेम एंड कंसिस्टेंसी लगा सकते हो, इसमें भी आपको हाइड्रो डैमेज मिल सकता है, और 2 पीस कोई भी अटैक वाला लगा सकते हो, लाइक शिमेनावा या फिर आप ग्लैडिएटर भी लगा सकते हो। आप चाइल्ड को आर्टिफैक्ट्स बर्स्ट बनाना चाहते हो, तो आप 2 पीस हाइड्रो और 2 पीस अटैक भी लगा सकते हो, 2 पीस हाइड्रो प्लस 2 पीस नूबलेस भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं अर्ली गेमर की बात करूँ जो कि AR40 से पहले है, तो उनको अगर अभी तक के 5 स्टार नहीं मिला है, तो आप मार्शल फोर्स पीस सेट लगा सकते हो, जो कि आपको नॉर्मल एंड चार्ज अटैक डैमेज इंक्रीज करता है 15% के लिए। 2 पीस मार्शल और 2 पीस अटैक भी लगा सकते हो,
ठीक है, टू पीस अटैक वाला यहाँ पर आपको 18% मिलेगा, या फिर ये भी लगा सकते हो आप, साथ ही साथ गैम्बलर भी लगा सकते हो जिसमें आपको एलिमेंटल इंक्रीज एलिमेंटल स्किल डैमेज बाय 20. अब हम बात करते हैं इसके सैंड गॉबलेट और सर्कलेट की। तो सैंड में आपको अटैक ही लगाना है, अटैक ही ज्यादा बेटर होता है, तो अटैक ही लगाओ। ये अटैक स्केलिंग कैरेक्टर है तो इसमें अटैक लगाओ। नेक्स्ट आता है हाइड्रो डैमेज बोनस, क्योंकि ये हाइड्रो कैरेक्टर है तो हाइड्रो डैमेज बोनस इसको काफी नीड होती है। एंड नेक्स्ट आपको क्रिट रेट या क्रिट डैमेज लगाना है, जो कि आपके वेपन के ऊपर डिपेंड होता है या फिर आपके स्टेट्स के ऊपर डिपेंड होता है आपको क्या लगाना है। और नीचे सबस्टेट्स में आपको ढूंढना है अटैक परसेंट, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज एंड लिटिल बिट ऑफ एलिमेंटल मार। नेक्स्ट में अगर इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो एट्रीब्यूट्स में आपको इसका अटैक जो है वो मिनिमम 1700 के ऊपर होना चाहिए, 2000 के ऊपर रहता है तो ज़्यादा बेटर होता है, बट आपको सीआरसीडी के साथ अटैक मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से आपको 1800 प्लस तो रखना ही चाहिए, या फिर 1700 भी चल जाएगा, बट यार 70 to 1800 आप यहाँ पर अटैक मिनिमम रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट ईएम की बात करूं तो ईएम देखो गाइस 50 भी चलेगा, कम से कम जीरो बिल्कुल मत करना है इसको। नेक्स्ट अगर बात करूं इसका क्रिट रेट, तो चाइल्ड बहुत बार क्रिट मिस कर सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा 60 प्लस तो मिनिमम क्रिट रेट होना चाहिए। बाकी आपको मैंने देखना है कि आपका चाइल्ड क्रिट करता है कि नहीं करता है, ब्रश जब आप बर्स्ट डैमेज देते हो तब आपका चाइल्ड क्रिट करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके क्रिट डैमेज के ऊपर, तो क्रिट चाइल्ड एक डीपीएस कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली आपको हाई क्रिट डैमेज भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मेरे हिसाब से चाइल्ड में मिनिमम अगर आप एक F2P हो तो 180 तक के कोशिश करो, 180 कम से कम क्रिट डैमेज हो जाए, या फिर 170 प्लस भी रहेगा तो चलेगा, 180 के आसपास कम से कम होना चाहिए। बाकी आप क्रिट डैमेज वाला वेपन कोई यूज कर रहे हो तो कम से कम आपको 200 प्लस करना है या फिर 210 प्लस करना ही है। सो अब हम बात करते हैं चाइल्ड के प्ले स्टाइल एंड टैलेंट के बारे में। चाइल्ड एक बो कैरेक्टर है बेसिकली, आप सभी को पता है, बट ये बो कैरेक्टर होने के साथ साथ इसके एलिमेंटल स्किल में जो है ये एक मेली कैरेक्टर बन जाता है, जो कि हाथ में दो स्वॉर्ड लेकर अटैक यूज करता है लाइक नॉर्मल एंड चार्ज अटैक। चाइल्ड में एक यूनिक मैकेनिक्स है जिसे हम रेप्टाइड कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेप्टाइड जो है एनिमीज को मार्क करता है, बेसिकली मार्क होता है जो कि एओई हाइड्रो डैमेज प्रोवाइड करता है। रेप्टाइड एनिमीज पर तीन टाइप से मार्क होते हैं, फर्स्ट रेन चार्ज अटैक जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रेन चार्ज अटैक से जो है आप यहाँ पर एनिमीज को मार्क कर सकते हो। सेकंड जो है जैसे ही आप इसका एलिमेंटल स्किल यूज करते हो, ये जब मेली अटैक में नॉर्मल या चार्ज अटैक पे क्रिट हिट करेगा तो ही ये जो है एनिमीज को रेप्टाइड मार्क करेगा। ये अगर क्रिट हिट नहीं कर पाता है तो ये एनिमीज को मार्क नहीं करेगा। सो इसलिए हमें चाइल्ड में जो है ज़्यादातर क्रिट फोकस करना पड़ता है। एंड लास्ट जो है इसका लास्ट जो है चार्ज रेंज एलिमेंटल बर्स्ट में ये भी फिर से मार्क करता है। रेप्टाइड का एओई हाइड्रो डैमेज जो है वो अलग अलग मार्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज अटैक से मार्क करते हो तो उसमें जो है वो नॉर्मल अटैक के ऊपर डिपेंड रहता है। रेप्टाइड फ्लैश कहते हैं जिसे हमें, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड सेकंड अगर आप मेली अटैक से नॉर्मल या चार्ज अटैक करके अगर एनिमीज को मार्क करते हो तो उसे हम जो है रेप्टाइड स्लैप्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप परसेंटेज दे सकते हो। तो अदर दोनों के मार्क के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके एलिमेंटल स्किल में बात करूँ तो जैसे कि आपको पता है ये हिट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, इसका चार्ज अटैक बेसिकली काफ़ी बढ़िया होता है, तो हमेशा 1 or 2 नॉर्मल अटैक के बाद चार्ज अटैक यूज़ करने से आपको एनिमीज में अच्छा खासा डैमेज देखने को मिलेगा। सबसे प्रॉब्लम दिक्कत की ये बात होती है इसमें, जैसे ही आप इसका एलिमेंटल स्किल यूज करते हो इसका मैक्स कूल डाउन जो है 45 सेकंड के लिए होता है। बट यस, इसका कूल डाउन जो है वो डिपेंड करता है आप कितने देर तक के इसका एलिमेंटल स्किल यूज कर रहे हो। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, आपने एलिमेंटल स्किल यूज किया 9 सेकंड के लिए तो आपका कूल डाउन जो है 15 सेकंड के लिए होगा। मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 6 सेकंड से लेकर तो 36 सेकंड तक के जो है आप इसको कूल डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो। बेसिकली आपको ऐसा रोटेशन करना पड़ेगा जिसमें आप चाइल्ड का कूल डाउन एलिमेंटल स्किल कूल डाउन जो है वो कम से कम रखिए, और बाद में जब आप पूरा फुल रोटेशन करके आए तो आपको फिर से बर्स्ट की बात करूँ तो चाइल्ड का बर्स्ट जो है वो दो टाइप में यूज होता है। एक होता है रेंज्ड, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था, रेंज चार्ज अटैक, और सेकेंड होता है मेली से, यानी कि जब आप इसके एलिमेंटल स्किल के अंदर रहते हो तभी ये मेली अटैक से चार्ज देता है
और जब आप इसके एलिमेंटल स्किल से बाहर होते हो तो ये एक रेंज चार्ज एलिमेंटल बर्स्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूँ इस दोनों में से बेटर कौन सा है, तो बेटर आपको डिपेंड करता है आपके प्ले स्टाइल के ऊपर, आप किस तरीके से खेलना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मेली का डैमेज जो है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। सो अगर आप एक प्रॉपर रोटेशन करना चाहते हो, जल्दी स्पीड रन करना चाहते हो, तो उसके लिए मेली शॉट बढ़िया होता है। बट रेंज शॉट भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि रेंज शॉट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एनर्जी जो है वो रिटर्न मिलेगा, 20 एनर्जी जो है आपको वो रिटर्न मिल जाता है। तो चार्ज रेंज शॉट जो है वो काफ़ी बढ़िया होता है। और साथ ही साथ अगर आप एलिमेंटल स्किल के अंदर मेली चार्ज करते हो तो आपका मतलब एलिमेंटल स्किल ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपको रोटेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप चार्ज रेंज करते हो तो आप एलिमेंटल स्किल के बाहर हो, तो आफ्टर एलिमेंटल चार्ज शॉट मारने के बाद, मतलब आफ्टर आप रेंज शॉट मारने के बाद जो है तुरंतली एलिमेंटल स्किल यूज़ करके जो है मेली अटैक यूज़ कर सकते हो। तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। अगर आप एक अच्छा डैमेज चाहते हो, स्पीड रन करना चाहते हो, तो आप एलिमेंटल मेली यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर परफेक्ट रोटेशन की ज़रूरत है, परफेक्ट रोटेशन की नीड है, तो आप रेंज शॉट भी यूज़ कर सकते हो। इसका एलिमेंटल बर्स्ट उतना ज़्यादा नहीं है, 60 ही है, फिर भी आप इसको एनर्जी रिचार्ज थोड़ा बहुत रख सकते हो। एक रेप्टाइड ब्लास्ट भी करता है, जो कि आप यहाँ पर डैमेज देख सकते हो, जो कि एओई डैमेज होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट इसके टैलेंट की बात करूँ तो इसके टैलेंट में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे आप एलिमेंटल स्किल यूज़ करते हो तो नॉर्मल एंड चार्ज अटैक में जो है वो रेप्टाइड जो है वो इफेक्ट होता है एनिमीज पे। एंड इसका बाद वाला टैलेंट है, ये काफी अच्छा है, आर्टी मेंबर से उनका नॉर्मल अटैक लेवल जो है, आपके पार्टी मेंबर में चाइल्ड में जो भी पार्टी मेंबर से उनका लेवल, नॉर्मल अटैक का लेवल जो है वो 1 से बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। अगर मैं टैलेंट प्रियोरिटी की बात करूँ तो टैलेंट प्रियोरिटी में यहाँ पर आपको दिया है, सबसे पहले जो है आपको इसका एलिमेंटल स्किल देखना है, उसके बाद एलिमेंटल बर्स देखना है, उसके बाद आपको जो है नॉर्मल अटैक देखना है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिलेशन की। चाइल्ड C1 में जो है इसका कूल डाउन जो है वो 20% कम हो जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही अपोनेंट रेप्टाइड से डिफिक्ट होते हैं, यानी खत्म होते हैं, तो चाइल्ड का जो है 4 एलिमेंटल एनर्जी जो है वो रीजनरेट होता है। थर्ड वाला जो है इसका टैलेंट लेवल अप करता है 15 लेवल तक के। करते हैं हम चाइल्ड के फोर्थ कॉन्स्टिलेशन की, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, तो मेरे को जहां तक के लगा है, अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि ये बेसिकली वर्क कैसा करता है। जहां तक के मुझे पता चला है कि ये जो है रेप्टाइड यूज करने में, जैसे ही आप रेप्टाइड मार्क होते हैं, तो ये एवरी 4 सेकेंड जो है ये हाइड्रो डैमेज यूज करता है। ठीक है, हाइड्रो डैमेज यूज करने के बाद ये जो है आप ऑफ फील्ड भी कर सकते हो, मतलब ये एक देखा जाए तो बेसिकली ऑफ फील्ड चाइल्ड के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप एक सपोर्ट चाइल्ड बनाना चाहते हो या सब डीपीएस चाइल्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए बेटर है। इवन जब आपका चाइल्ड जो है ऑफ फील्ड रहेगा, वो ट्रिगर करते रहेगा एवरी 4 सेकेंड तक के। तो ये बेसिकली अगर आप रिवर्स स्मेल अगर किसी शैंगलिन मैगनिंग के साथ यूज़ करते हो तो आई थिंक ये काम आ सकता है, बट ये मैसअप भी हो सकता है अगर आपका टाइमिंग थोड़ा गलत हो तो। उसके बाद इसके कॉन्स्टिलेशन 5 की बात करूँ तो कॉन्स्टिलेशन 5 में ये फिर से लेवल अप बढ़ाता है। 6th कॉन्स्टिलेशन में जैसे ही आप इसके अगर आप मेली चार्ज बर्स्ट यूज़ करते हो, मेली बर्स्ट यूज़ करते हो, तो आपका इंस्टेंटली जो है एलिमेंटल स्किल जो है वो रीसेट हो जाएगा इसका कूल डाउन। तो अब बात करते हैं हम लोग चाइल्ड टीम कॉम की। तो चाइल्ड की सभी को पता है चाइल्ड इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट टीम कॉम है इस गेम में, जो कि होती है चाइल्ड, बेनेट, शैंगलिन और काजुआ। तो अगर आपके पास ये 2 कैरेक्टर तो आपको मिल जाता है बेनेट और शैंगलिन, बट काजुआ अगर आपके पास नहीं है तो काजुआ की जगह आप जो है यहाँ पर 4-स्टार में अगर आप F2P हो तो आप जो है यहाँ पर सुक्रोज यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप वेंटी भी यूज़ कर सकते हो। बट आप ये टीम कर सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है और अच्छे अच्छे डैमेज भी आप दिखा सकते हो लोगों को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है इलेक्ट्रो चार्ज टीम, टेजर टीम जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें आती है चाइल्ड प्लस बेडो प्लस फिशल प्लस बेनेट। बेनेट ऑब्वियसली आपको हील करेगा प्लस बफ देगा अपने हील में, और बेडो जो है इसमें जो है आपके बर्स्ट में जो है स्ट्रॉन्ग बेकर यूज़ करती है, जिससे आपके एनिमीज को अप्लाई होता है, जिससे चाइल्ड को जो है इलेक्ट्रो चार्ज करने में अच्छी खासी आसानी होगी। ठीक है, बट याद रखना अगर आपके पास बेडो C2 है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बेडो C0 में जो है वो अप टू 3 एनिमीज तक के जो है वो स्टॉर्म ब्रेकर अपना यूज़ करती है, बट अगर C2 होता है तो वो जंप होके 2 पे हो जाता है, तो टोटल आप 5 तक के यूज़ कर पाओगे। और फिशल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेडो को एनर्जी रिचार्ज की नीड पड़ेगी, ताकि आप इसका बर्स्ट बार बार यूज़ करें, तो फिशल को आप यूज़ कर सकते हो, साथ टारगेटिया को जो है इलेक्ट्रो चार्ज करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड इसकी बात करूँ तो वो है हाइपर ब्लूम टीम। जैसे कि आपको पता है हाइपर ब्लूम टीम में चाइल्ड जो है वो आपका हाइड्रो यूज़ करेगा, नाहिदा आप यूज़ कर सकते हो, नाहिदा की जगह आप दूसरे डेंड्रो कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो लाइक
डेंड्रो ट्रेवलर, ये तो मेरा अभी हाइड्रो है, डेंड्रो ट्रेवलर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब अगर आपके पास डेंड्रो वो भी नहीं है तो आप याओ याओ को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद आपको जो है कुकी शिनोबू चाहिए जो कि हाइपर ब्लूम रिएक्शन करे, ये काफ़ी बढ़िया होती है, या फिर इसकी जगह आप रेडन भी ले सकते हो एज ए सब डीपीएस अगर आपने ईएम बिल्ड किया है तो। फोर्थ आपके लिए खाली है, फोर्थ में आप एक्स्ट्रा का कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ नाहिदा के जगह कुछ दूसरा लिया है तो आप यहाँ पर याओ याओ भी ले सकते हो, ट्रेवलर और याओ याओ भी ले सकते हो, या फिर एक और इलेक्ट्रो कैरेक्टर ले सकते हो लाइक रेडन शोगन, या फिर एक और हाइड्रो कैरेक्टर ले सकते हो लाइक यलन या फिर शिनचू जो कि हाइड्रो अप्लाई करेंगे पीछे से और अच्छा खासा डैमेज भी देंगे। तो फोर्थ वाला आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ये भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी लगा सकते हो। सो गाइज यही तक के था हमारा चाइल्ड वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब की बटन दबा देना। अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है चाइल्ड बिल्ड करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे लाइव स्ट्रीम पे आकर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।